फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के अंदर काउंट इफ एस फंक्शन का इस्तेमाल सीखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के रखा है काउंट इफ एस। देखिए काउंट इफ एस फंक्शन जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है काउंट इफ फंक्शन का, एडवांस्ड वर्जन है काउंट इफ फंक्शन का। हम लोग काउंट इफ फंक्शन जब यूज करते थे तो उसमें हम लोग सिंगल कंडीशन पे, सिंगल क्राइटेरिया पे ही काउंट कर पाते थे, लेकिन काउंट इफ एस फंक्शन में आपके पास ये पावर दिया गया है कि आप मल्टीपल कंडीशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग। कैसे करते हैं, सिंटैक्स क्या है, इसको समझते हैं बाय एग्जांपल्स। ओके, यहां पे मैंने कुछ सेल्स का डेटा रखा है जिसमें मैंने किस पार्टी को किस डेट में कितने अमाउंट का आइटम सेल किया है वो मैंने यहाँ पे रखा है, और उस सेल्स में कौन कौन से सेल्समैन इन्वॉल्व थे वो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे रखा है। मतलब आपके पास टोटल यहाँ पे चार कॉलम्स हैं, पार्टी नंबर, सेल्समैन, डेट एंड अमाउंट। अलग अलग डेट में अलग अलग पार्टी को अलग अलग सेल्समैन के थ्रू जो भी अमाउंट का आइटम सेल किया गया है वो डिफरेंट रिकॉर्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये भी बात है कि आगे यहाँ पे रिकॉर्ड्स बढ़ सकता है। ओके, ये चीज भी हम लोग देख के चल रहे हैं। देखिए अभी मेरे मुझे क्या करना है कि यहां पे काउंट करके बताना है कि आपके इस डेटाबेस रेंज में जो कि A1 से लेके D के 10 तक है, और संभावना पॉसिबिलिटी ये भी है कि आगे भी ये बढ़ सकता है, इसमें वैसे कितने रिकॉर्ड्स हैं जो पार्टी नंबर 1 को सेल किए गए। तो मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल काउंट इफेस। काउंट इफेस लिखने के बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो यहां पे सबसे जो पहला पैरामीटर है वो आपसे मांगा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। देखिए कंडीशन रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब होता है कंडीशन रेंज 1। आप कंडीशन किस पे लगाना चाह रहे हैं, आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं पार्टी नंबर पे। आपका पार्टी नंबर 1 का रेंज क्या है, कॉलम ए है। यहां पे एक्चुअली अगर देखा जाए तो फिलहाल ये A2 से A10 तक है, लेकिन मैं A2 से A10 दूंगा नहीं, क्योंकि A2 से A10 तक देने में क्या है कि आपका जो रेंज है ना वो लिमिटेड हो गया। आप 11, 12, 13 वाले रो में अगर फ्यूचर में कभी इंसर्ट करते हो रिकॉर्ड्स तो वो इस ये फॉर्मूला उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक बार ऐसा फॉर्मूला लिखूं कि मेरे लिखने के बाद अगर रिकॉर्ड्स बढ़ते भी जाएं नीचे की तरफ रो वाइज, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 वगैरह में अगर ऐड भी होते जाएं तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाए, तो मैं यहाँ A:A लिख देता हूँ। मतलब मैंने पूरा कॉलम ले लिया पार्टी नंबर वाला, कॉमा। अभी दूसरा जो यहाँ पे आर्गुमेंट है, जो पैरामीटर है, वो है क्राइटेरिया। अब मुझे सिंगल क्राइटेरिया डालना है, और क्राइटेरिया क्या है वो इस सेल में लिखा हुआ है, सेल नंबर F5 में, सेल एड्रेस F5 में लिखा हुआ है, मैंने F5 डाल दिया। मैं यहां पे चाहता तो स्टैटिक वे में ऐसे कि भाई 1 को काउंट कर दो, ऐसे भी मैं लिख के ब्रैकेट बंद कर सकता था, लेकिन इससे होता क्या कि इसने, देखिए यहां पे मैंने 1 लिख के अगर इंटरप्रेस कर दिया डबल कोटेशन में, तो इसने 1 को काउंट किया। देखिए 1 यहां पे एक है, उसके बाद एक 1 यहां पे, तो इसने 2 दे दिया। लेकिन अगर फ्यूचर में मैं यहां पे पार्टी नंबर को 1 के अलावा 2 करता तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करता यहां पे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को डायनेमिक बनाने के लिए मैं यहां पे डबल कोटेशन में 1 नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं इस सेल का एड्रेस दे दूंगा। इससे यह बेनिफिट होगा कि अभी पार्टी नंबर 2 है तो इसका 2 रिकॉर्ड है। कौन कौन है भाई, एक ये है 2 मोहन, और दूसरा आपके पास ये है 2 मोहन 2 तारीख का। तो उससे यह बेनिफिट है कि अगर मैं फ्यूचर में कभी 6 दे दूं, अब 6 पार्टी का एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो 0 बता रहा है, 5 दे दूं 5 का एक भी रिकॉर्ड नहीं 0 बता रहा है, 4 दे दूं 4 का जो भी रिकॉर्ड है, 2 दे दूं 3 दे दूं, अगर मैं यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे देता हूं तो एक और उससे अधिक वाले पार्टी नंबर का फिलहाल टोटल जो काउंट है ऑफ रिकॉर्ड है वो कितना है, वो 9 है। अगर मैं यहां पे चेंज करता हूं, देखिए यही डायनेमिक फॉर्मूला का ये बेनिफिट होता है, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स 3 दे दूं तो 3 और उससे ज्यादा वाले पार्टी नंबर का टोटल 5 रिकॉर्ड है। 3 और उससे ज्यादा कौन कौन है, 3, 4, 5, इसमें से काउंट कर लेगा, ये बेनिफिट है। तो अभी जो मैंने यहां पे बोल्ड किया था, जो हाईलाइट किया था, उसे मैं अनबोल्ड कर देता हूं। एक चीज और दिखाता हूं, यहां पे जो मैंने जो पैरामीटर में फर्स्ट आर्गुमेंट में जो मैंने A:A डाला था उससे ये बेनिफिट है कि अगर मैं फ्यूचर में किसी पार्टी को कोई एक सेल्समैन, मान लिया सुरेश ने 2 तारीख को ही
दूसरे महीने को ही 5 तारीख को किसी पर्टिकुलर अमाउंट का यहाँ पे सेल किया। ओके अभी देखिए, अभी इससे पहले जब मैं 2 डाल रहा था पार्टी नंबर, तो काउंट 2 ही बता रहा था, लेकिन अभी 3 बता रहा है, क्योंकि इसको भी, इस वाले एडेड रिकॉर्ड्स को भी, रिकॉर्ड को भी इसने इंटरटेन किया। अगर मैं एक से ज़्यादा रिकॉर्ड एड करता हूँ, सपोज 2 को इस बार मुकेश नाम के सेल्समैन ने जो है 5 तारीख को ही, दूसरे महीने के 5 तारीख को ही कुछ और सामान सेल किया, उस सामान की कीमत 13,400 रुपये थी, देखिए यहाँ पे आपका 4 आ गया, ये बेनिफिट है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने एक सिंगल क्राइटेरिया पे काउंट इफेस फंक्शन को यूज करना सीखा। अभी एक और सिंगल देख लेते हैं क्राइटेरिया पे, जैसे अगर आपको निकालना है कि भाई सेल्समैन जो सुरेश है उसने कितना सेल्स किया है, यहां पे जो डेटाबेस रेंज रखा हुआ है उसमें, तो यहां मैं लिखूंगा इक्वल्स काउंट इफेस रेंज। अभी क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है, तो मुझे सेल्समैन का क्राइटेरिया रेंज देना है, तो सेल्समैन जो है वो ए कॉलम में नहीं है बल्कि बी कॉलम में है, और मैं चाहता हूं कि बी कॉलम भी पूरा लेना चाहता हूं, तो मैं यहां बी कोलोन बी दे देता हूं, कॉमा क्राइटेरिया रेंज में मैं इस सेल का एड्रेस जहां पे सेल्समैन रखा हुआ है जो कि आई का 5 है उसको मैंने सेलेक्ट किया। आप मैनुअली कीबोर्ड से भी फीड कर सकते हो। ऐसा करने के बाद ब्रैकेट बंद करते हैं और जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं, देखिए अभी ये बता रहा है कि सुरेश नाम के सेल्समैन ने 3 सेल्स किए हैं। मैं यहां पे बोल्ड करके आप लोगों को दिखा देता हूं, देखिए 3 सेल्स है। अगर सपोज कि पार्टी नंबर 6 को, एक नया पार्टी है, उसे भी सुरेश ने ही सेल किया कोई एक आइटम, डेट था दूसरा महीना 6 तारीख 2021, मान लिया 15,000 का सामान बेचा। देखिए अभी सुरेश का इस एंट्री से पहले यहाँ पे 3 आ रहा था रिकॉर्ड, जबकि अभी 4 रिकॉर्ड हो गया। कौन कौन है भाई? तो पहला रिकॉर्ड यहाँ रहा सुरेश का, दूसरा यहाँ रहा, तीसरा ये है और चौथा ये है। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, फिलहाल अगर मैं यहाँ, मुझे कहा गया कि आप अमित नाम के सेल्समैन ने कितना सेल किया है, देखो 2 सेल किया है। सुमित नाम के सेल्समैन ने कितना सेल किया है? 1 सेल किया है। ऐसा बस सिर्फ आपको आई के 5 में सेल्समैन वाले सेल में आपको यहां पे नाम चेंज करना है। जैसे मोहन ने कितना सेल किया, अभी आप चाहते हैं कि वैसे सारे सेल्समैन ने जिसके नाम की शुरुआत एम से होती है उसने कितना सेल किया है, तो आप एम के बाद एस्ट्रिक लगा दो। एस्ट्रिक जहां पे एक विल्ड कार्ड है जो 0 या 0 से अधिक कितने भी कैरेक्टर को, जहां कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, एनी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही आप ऐसा लिख के इंटरप्रेस करोगे, देखिए ये बता रहा है कि आपके रिकॉर्ड में एम नाम के सेल्समैन ने 5 दफा सेल किया है, टोटल 5 टाइम सेल किया है। कौन कौन है भाई? तो एम से स्टार्ट होने वाले सेल्समैन कौन कौन है? एक आपका ये मोहन है, दूसरा भी मोहन है, सुरेश तो होगा नहीं, तीसरा मनोज है, अमित भी नहीं है, ये देखिए ये मोहन है, सुरेश तो है नहीं, सुरेश के नाम की शुरुआत तो एस से हो रही है, मुकेश है, ऐसा आपने देखा। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 एंड यहां पे 5। ओके आप यहां पे ऐसा भी कर सकते हो कि भाई वैसे सेल्समैन ने कितने टाइम सेल किया है, नंबर ऑफ टाइम सेल किया जिसके नाम की शुरुआत एम से हो रही हो, दूसरा तीसरा कैरेक्टर कुछ भी हो, यहां पे मैंने सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन मार्क यूज किया, ये भी एक विल्ड कार्ड है। यहां पे मैं बताता चलूं कि आपके पास एक्सेल के अंदर 2 विल्ड कार्ड है फिलहाल, एक क्वेश्चन मार्क जो एक किसी भी सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करता है, और दूसरा एस्ट्रिक जो किसी भी 0 या 0 से ज्यादा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, एस्ट्रिक जहां पर इस्तेमाल होना है वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करेंगे, और जहां पे क्वेश्चन मार्क यूज होना है वहां पे कभी भी एस्ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया एम क्वेश्चन मार्क मतलब वैसे सेल्समैन को के सेल्स को मैं काउंट करना चाह रहा हूं जिसके नाम की शुरुआत एम से हुई है, दूसरा और तीसरा कैरेक्टर नहीं पता क्या है लेकिन चौथा कैरेक्टर ए है, ऐसा मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, और उसके बाद कुछ भी है, एस्ट्रिक मैंने यूज कर लिया। तो इसने जो है 3 काउंट करके दिया, क्योंकि चौथा कैरेक्टर ये देखिए मोहन में तो है लेकिन मनोज में नहीं है, मुकेश में भी नहीं है, हालांकि मुकेश और मनोज के नाम की शुरुआत भी एम से ही हो रही है, लेकिन चौथा कैरेक्टर जो है वो ए नहीं है। तो आपके पास देखिए टोटल 1, 2 एंड 3 रिकॉर्ड्स मिल गए, ये आप ऐसा कुछ कर सकते हो। ओके तो इस तरह से आपने सीखा कि काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल आप सिंगल कंडीशन को यूज करने के लिए कैसे कर सकते हो, जहां पे आप काउंट इफ का भी इस्तेमाल एक्चुअली कर सकते हो। लेकिन अब काउंट इफ का जो मेन पावर है वो है कि आप यहां पे
मल्टीपल कंडीशंस का भी, मल्टीपल कंडीशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहां पे टाइटल चेंज कर दे रहा हूं, मल्टीपल कंडीशंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मुझे कहा गया कि वैसे रिकॉर्ड्स को काउंट करके आप यहां पे बताओ जो पार्टी नंबर सेल्स 3 को सेल किया गया है और सुरेश नाम के सेल्समैन ने सेल किया है। तो आप यहां पे लिखते हो इक्वल्स काउंट इफ एस, ब्रैकेट आपने खोला। अभी देखिए पहला जो कंडीशन आपका है वो है पार्टी नंबर, और पार्टी नंबर ए कॉलम में है, तो मैंने ए कोलोन ए लिखा फिर कॉमा दिया। अभी ये क्राइटेरिया पार्टी नंबर वाला कहां रखा हुआ है, इस सेल में एफ के 9 में रखा हुआ है, ये मैंने दे दिया। पहला क्राइटेरिया वो रेंज दिया जहां पे पार्टी नंबर रखा हुआ है, और दूसरा क्राइटेरिया में कॉमा के बाद दूसरे आर्गुमेंट में मैंने उस सेल का एड्रेस दिया जहां पे मैंने पार्टी नंबर लिख के रखा है कॉमा। अभी दूसरा जो क्राइटेरिया रेंज है वो सेल्समैन से रिलेटेड है और सेल्समैन बी कॉलम में है, तो बी कोलोन बी मैं दे देता हूं कॉमा, और यहां पे सेल्समैन वाले सेल को चौथे पैरामीटर में मैं डाल देता हूं। ऐसा करने के बाद ब्रैकेट बंद करके मैं इंटरप्रेस करता हूं। देखिए ये बता रहा है कि सिंगल रिकॉर्ड आपका है, कौन सा रिकॉर्ड, तो वैसे पार्टी का रिकॉर्ड, वैसे सेल का रिकॉर्ड है ना जो सुरेश ने किया है। देखिए अब सुरेश ने तो यहां ये भी किया है, सुरेश ने तो एक ये भी किया है और सुरेश ने ये भी किया, लेकिन साथ में है कि पार्टी नंबर 3 को करना होना चाहिए। तो अभी सुरेश ने तो बहुत सारे पार्टीज को बेचा है सामान, लेकिन इसमें से सिर्फ ये वाला ही काउंट हो रहा है, बाकी काउंट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि बाकी में पार्टी नंबर डिफरेंट है, एक में 4 है, एक में 2 है, फिर एक में 6। अगर मैं चेंज करूं, सपोज ये तो पता चल गया कि 1 क्यों आया, अगर मैं यहां पे सपोज इस 2 को 3 कर दूं, तो अभी जैसे ही मैं इंटरप्रेस करूंगा तो वैसे रिकॉर्ड्स की संख्या 2 हो जाएगी जो पार्टी नंबर 3 को की गई है सेल्स और सुरेश नाम के सेल्समैन ने किया। देखिए मैं इंटरप्रेस करता हूं, देखिए यहां पर ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये बेनिफिट है। अगर सपोज कि मैं यहां पे ऐसा चाहता हूं कि नहीं नहीं पार्टी नंबर 6 को सुरेश ने कितना सेल किया है, ये आ गया। अगर आप सोचते हैं कि ये पार्टी नंबर 6 को ब्लैंक कर दे तो 0 आएगा, चूंकि सुरेश नाम के सेल्समैन ने वैसे किसी भी रिकॉर्ड्स को सेल नहीं किया जिसके जिसका पार्टी नंबर ब्लैंक है। हाँ, आप चाहते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे दे ताकि वो सारे पार्टीज का सेल दिखा दे जो सुरेश ने किया है, तो 4 रिकॉर्ड्स आपको मिल गए काउंट में यहां पे जो किसने किया है, सुरेश नाम के सेल्समैन ने किया है। ऐसा आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ठीक है पार्टी नंबर 1 या 1 से अधिक का सेल वैसे का दिखाओ जिसके जिस सेल्समैन की शुरुआत नाम की शुरुआत एम से हुई है, तो आप यहां एम एस्ट्रिक लगा दो। वैसे 5 सेल्स अवेलेबल हैं आपके इस डेटाबेस में जो एम नाम से शुरू होने वाले, एम कैरेक्टर से शुरू होने वाले सेल्समैन ने किया है, और किसको किया है, तो पार्टी नंबर 1 या पार्टी नंबर 1 से ज्यादा वाले को। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पर ग्रेटर देन 1 लगाते हो तो वैसे 4 रिकॉर्ड है, 1 वाला आपका छूट गया, चूंकि देखिए एक रिकॉर्ड आपका 1 वाला ये था, ये काउंट नहीं हुआ क्योंकि यहां पे पार्टी नंबर जो है वो 1 है जो कि ग्रेटर देन 1 नहीं है। इस तरह से अभी अगर आपको कहा जाए कि पार्टी नंबर, सेल्समैन और डेट, इन तीनों पे आपको काउंट करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि वैसे सेल्स को काउंट करके बताओ, इस वैसे रिकॉर्ड्स को काउंट करके बताओ जो पार्टी नंबर 1 को सेल किया गया है, सेल्समैन का नाम मोहन है और 1 तारीख को ही 1 जनवरी 2021 को वो सेल किया गया है। तो मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स काउंट इफ एस, अभी पहला क्राइटेरिया जो है मेरा पार्टी नंबर पे है जो कि ए कोलोन ए में है, ए कॉलम में है। पार्टी नंबर जो रखा हुआ है वो इस पर्टिकुलर सेल में रखा हुआ है जो कि एफ का 12 है, ये मैंने दे दिया कॉमा। दूसरा जो कंडीशन है वो सेल्समैन है, यहां पे आपको पता चल रहा होगा ये सेल्समैन कंडीशन है, और सेल्समैन यहां कहां रखा हुआ है, बी बी कॉलम में रखा हुआ है, तो मैं बी कोलोन बी दे देता हूं कॉमा, इस सेल का एड्रेस दे देता हूं क्राइटेरिया में कॉमा। जो तीसरा आपका कंडीशन है वो डेट है, और डेट यहां पे रखा हुआ है सी कॉलम में, तो यहां मैं सी कोलोन सी दे देता हूं कॉमा, ये वाला सेल का एड्रेस दे देता हूं, ये क्राइटेरिया है। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही मैं इंटरप्रेस करता हूं आपके पास देखिए यहां पे काउंट करके 1 आ रहा है, क्योंकि इस पूरे सेल्स में आपके पास सेल रिकॉर्ड में, ये सारे सेल रिकॉर्ड में फिलहाल जो है इसमें वैसे रिकॉर्ड की संख्या सिंगल है जो मोहन ने किया है पार्टी नंबर 1 को, वो भी 1 तारीख को, वो रहा ये वाला सेल। बाकी देखिए ये जो सेल है ना ये मोहन ने किया है 1 तारीख को, 1 जनवरी 2021 को ही किया है, लेकिन ये पार्टी नंबर 1 को नहीं किया गया, ये पार्टी नंबर 2 को किया गया। अगर मैं यहां पे पार्टी नंबर 2 डाल दूं, देखिए अगेन ये 1 दे रहा है,
क्योंकि पार्टी नंबर टू को भी एक सेल है। अगर मैं यहां एडिट कर देता हूं, इसे मैं वन कर देता हूं, ओके, तो अभी क्या होगा ना, ये भी तो पार्टी नंबर वन का ही अब रिकॉर्ड हो गया। तो यहां पे देखिए पार्टी नंबर टू का जो वन आ रहा था, चूंकि मैंने एडिट कर दिया तो इसीलिए टू के लिए अभी जीरो आ रहा है, चूंकि एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन अगर मैं यहां पे वन डाल दूं तो जो वन आ रहा था वो टू हो जाएगा, चूंकि पार्टी नंबर वन को मोहन ने एक तारीख को दो दफा सामान बेचा है, ये टू आ गया। तो इस तरह से आप काउंट इफ एस फंक्शन को आसानी से यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर किसी भी डेटाबेस से डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए, काउंट रिटर्न करवाने के लिए, या तो सिंगल कंडीशन के ऊपर या फिर मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि काउंट इफ एस फंक्शन का काम आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ इससे आप लोगों को सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों को एक्सेल में नया नया फार्मूला चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।